हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल आईटी स्किल्स। आज जो हम लोग टॉपिक पर आने वाले हैं वो भी टेली का ही पार्ट है, मतलब बेसिक ऑफ अकाउंट्स। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि गोल्डन रूल्स कैसे, मैंने 3-6 गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग का, उसको मैंने दो पार्ट में आपको करके दिखाया था। फिर मैं थोड़ा उसको रिविजन भी कर लेता हूँ। उसमें मैंने बोला था कि डेबिट का रूल अलग बताया था, क्रेडिट का रूल अलग बताया था। जैसे कि वट एवर यू डेबिट आइदर इट्स आवर एसेट्स और एक्सपेंसेस, एंड वट एवर यू क्रेडिट आइदर इट्स आवर लाइबिलिटी और इनकम। ये आपको ये क्लास नोट्स के अंदर ये मिल जाएगा, दो वीडियो पहले, पहला पार्ट वन, पार्ट टू, अभी पार्ट थ्री है। तो पार्ट थ्री में हम क्या जानेंगे, ये भी बेसिक ऑफ अकाउंट्स का ही है। बेसिक ऑफ अकाउंट्स के लेके बहुत सारा वीडियो होगा, क्योंकि अगर बेसिक ऑफ अकाउंट्स हम अच्छी तरह से समझ पाए ना तो टेली हम इजीली कर पाएंगे। अगर सोच लो तुम्हें बेसिक ऑफ अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है और तुम टेली करने, मैं तुम्हें टेली उस तरह भी टेली हम सिखा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई कोई ऐसा भी सिखाता है, बेसिक ऑफ अकाउंट्स नहीं सिखा के डायरेक्टली सिखा लेता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। कि उससे अगर तुम्हें बेसिक ऑफ अकाउंट्स नहीं पता है, अकाउंट्स का बेसिक नहीं पता है, या फिर अकाउंट्स का छोड़ दो, किसी भी चीज़ का अगर बेसिक नहीं पता है और अगर उस चीज़ तुमने ज़बरदस्ती सीख लिया तो उसका बाद क्या हो जाएगा, आज सीखोगे, सीख रहे हो, प्रैक्टिस में याद है, कुछ दिन भूल जाओगे, ख़त्म, पूरा चला जाएगा। फिर तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ नोट्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम कैसे याद कैसे करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक ऑफ अकाउंट्स जो है वो उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। अगर इस पर तुम ज़्यादा टाइम दोगे तो टेली का जो भी टॉपिक होगा, टेली में हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, वो सारा टॉपिक तुम आराम से इजीली कर पाओगे, वो तुम्हारे लिए एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा, हम लोग को क्या होगा, मैंने पहला क्लास में बोला था ये जो अकाउंटिंग है वो किसका, वो उसे क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस लैंग्वेज। दैट मीन्स हम लोग को कोई भी किसी भी चीज़ को समझने के लिए या फिर किसी भी चीज़ पे काम करने के लिए हमको उसका लैंग्वेज पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे एप्पल का अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, एंड्रॉयड का अलग है, उसका बाद विंडोज़ का अलग है, तो उन सब का हम लोग को क्या होता है, उसका लिए हम लोग को नॉलेज होता है, ठीक है ना। उसका बाद हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो या फिर यूटिलाइज कर पाते हैं। तो अकाउंटिंग को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग को कौन सा चीज़ सीखना पड़ेगा, बिजनेस को यूज़ करने के लिए हम लोग को कौन सा चीज़ सीखना पड़ेगा, अकाउंटिंग लैंग्वेज। मतलब अगर बिजनेस में हमें एक्सपर्ट होना है तो हमें ये लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और ये लैंग्वेज हम तभी सीख पाएंगे जब हम बेसिक ऑफ अकाउंट्स को बारीकी से समझ पाएंगे। समझ में आया कि मैं फिर से बता रहा हूँ, बिजनेस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग करने का ज़रूरत है। अगर अकाउंटिंग अच्छी तरह से समझ पाए तभी जाके बिजनेस में अपना बारीकी से बिजनेस कर पाओगे या फिर बिजनेस में सक्सेसफुल भी हो पाओगे। क्लियर। अभी क्या है, कोई कोई टर्म है जिनका अलग अलग मीनिंग होता है अकाउंट्स में, क्योंकि अभी जो हम सीख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। अलग क्यों है, जैसे कि पकड़ लो साइंस में अल्फा बीटा गामा ये सब अलग है, ठीक है, ये सब साइंटिफिकली हम जाते हैं, या फिर कॉस थीटा साइन थीटा ये सब अलग साइन, मतलब ये साइंस के लिए है, ठीक है। फिर अकाउंट्स में अगर आओगे तो उसके लिए क्या है, कुछ टर्म तुम्हें मिलेगा, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कस्टमर, ये कस्टमर कौन है, कस्टमर मींस जिसके पास मेरा दुकान है, मैं जिसको सेल कर रहा हूँ या फिर मेरे से जो खरीद के लेके जा रहा है उसे कस्टमर हम बताते हैं। लेकिन कस्टमर का जो अकाउंटिंग मीनिंग है या फिर अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे या फिर बिजनेस लैंग्वेज में कस्टमर को क्या बोला जाता है, डेप्टर। क्लियर ना, कस्टमर को क्या बोला जाता है, डेप्टर। ये देखो, ये हो गया नॉर्मल लैंग्वेज, ये हो गया अकाउंटिंग लैंग्वेज। फिर जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उस इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, कंज्यूमर। हर एक फील्ड में अलग अलग मीनिंग आ रहा है, लेकिन तीनों का मीनिंग सेम है, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है लेकिन तीनों का मीनिंग
सेम है, क्लियर। कंज्यूमर हो गया, सॉरी कस्टमर हो गया नॉर्मल में, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग में चले जाएंगे तो डेप्टर, और फिर कंज्यूमर हो जाएगा इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में, ठीक है। तो इन सब ऐसा कौन सा टर्म है जिसको हम लोग को बेसिक ऑफ अकाउंटिंग करने के टाइम पे ज़रूरत है, इसको लेके आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो टर्म आता है उसे बोला जाता है प्रोप्राइटर। हु इज प्रोप्राइटर? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब जो बिजनेस का ओनर है उसे ही प्रोप्राइटर बोला जाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं फिर से बता देता हूं, जो बिजनेस जो पर्सन है या फिर द ओनर ऑफ द बिजनेस को ही प्रोप्राइटर बोला जाता है। उसको थोड़ा और बारीकी से हम लोग समझते हैं कि जब बिजनेस तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे, तुम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो उसे उस पर वो जो इन्वेस्ट करेगा उसका नाम क्या है? प्रोप्राइटर, ठीक है। तो अगर वो एक पार्टनर का बिजनेस या फिर खुद ही चलाता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, मतलब वो खुद सिंगल ही बिजनेस का ओनर है, ठीक है। अगर बिजनेस दो पर्सन चलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है। और अगर मोर देन टू पार्टनर्स होता है तो उसको हम कंपनी भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में ही सबका ही प्रोप्राइटर होता है, कंपनी बोलो, सोल प्रॉपर्टी बोलो, खुद चलाता है या फिर पार्टनरशिप बोलो, तीनों का ही एक प्रोप्राइटर होता है या फिर ओनर होता है, तो उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर, क्लियर ना। नेक्स्ट, ये सारा टर्म्स जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया मतलब आने वाला है सामने ऐसा क्वेश्चन कि कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, तब अगर तुम्हें प्रोप्राइटर का मीनिंग ही पता नहीं हो तो इसके लिए मैं पहले ये जो टर्म है ये मैं, क्योंकि वहाँ पे ओनर बोलने से तुम इजीली समझ जाओगे लेकिन प्रोप्राइटर बोलने से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं हम लोग इस वीडियो में ये सब टर्म्स का ऊपर कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट पॉइंट, एंटिटी। दो नंबर पॉइंट आ गया एंटिटी। एंटिटी क्या है बोलो तो? Every business has a separate legal entity. That means, जैसे कि नाहटा टेक्सटाइल, हम लोग लोकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाहटा टेक्सटाइल, उनका ओनर का नाम किसी को पता है? नहीं पता है। सबको पता है क्या? नाहटा टेक्सटाइल, ठीक है ना। तो ये उनका जो बिजनेस है उनका बिजनेस का अलग एक सेपरेट लुक्स प्रोवाइड करता है, उसे बोला जाता है एंटिटी। मतलब बिजनेस का जो या फिर शॉप का जो नाम है वो देख के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोला जाता है? एंटिटी। उसे अगर सिंपल डेफिनेशन में बोले तो द टर्म एंटिटी इज द एब्स्ट्रैक्ट वन, इट इज यूज टू मीन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज सेपरेबल एंड डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब उसका ओनर का नाम से उसका ओनर का नाम से नहीं, उसका बिजनेस का नाम से उसका अलग से एक एंटिटी निकलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एंटिटी। और भी मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ इस टॉपिक का ऊपर, इस टॉपिक को हम लोग ऐसे क्यों एंटिटी बोलते हैं या फिर बिजनेस का नाम से अलग क्यों करते हैं। जैसे कि तुम जब गुड्स खरीद के लाते हो, ठीक है, दो तरीका होता है। अगर छोटा मोटा तुम्हारा शॉप होगा या छोटा मोटा बिजनेस होगा, तुम क्या करते हो? हम अपना नाम पे खरीद के लेके आते हैं। लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, वो अपना नाम पे, वो प्रोप्राइटर का नाम पे कुछ नहीं कर सकता, उसको अपना शॉप का नाम पे ही सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स भी पेमेंट करेगा शॉप का नाम पे, अगर खुद के लिए टैक्स भरेगा वो इनकम टैक्स के अंदर पे जाएगा, लेकिन जो शॉप का नाम पे जो टैक्स पेमेंट होगा वो क्या होगा? अभी तो पहले तो वैट पेमेंट करता था, अभी क्या आ गया? जीएसटी हो गया, जो हम टैली में कैलकुलेशन उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो जो भी जीएसटी नंबर होगा, जो भी कुछ भी होगा या फिर पैन कार्ड बनाएगा, वो सब शॉप के नाम पे ही होगा, क्लियर, वो सेपरेट एंटिटी है। नेक्स्ट हम लोग के पास अभी थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट पे हम, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टार्ट ए बिजनेस, जिसके बिना हम कुछ नहीं हो सकता, इसको बोला जाता है कैपिटल। अभी ये कैपिटल क्या है? वो सदरगढ़ का सामने जो कैपिटल पॉइंट, वो तो नहीं, नहीं वो नहीं है कैपिटल। बिजनेस में जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट होता है, स्टार्टिंग में हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो
पकड़ लो तुमने कुछ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो दूसरा कोई आके तुम्हें पूछेगा कि बिजनेस में कैश कितना इन्वेस्ट हुआ, नहीं पूछेगा, पूछेगा कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ। जो भी कैश हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं उसका नाम क्या हो जाता है, कैपिटल। वो क्यों हो जाता है, इसको लेके भी जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको इजी तरीके से उसको समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ यही मान के चलो कि कोई भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल, क्लियर। नेक्स्ट चार नंबर पॉइंट, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, विड्रॉ करना, सबको पता है, ठीक है, ड्रॉ कर लेना। तो ड्रॉइंग्स वर्ड कब यूज होगा, जब ड्रॉइंग, अच्छी तरह से सुनो, ड्रॉइंग वर्ड कब यूज होगा, ड्रॉइंग वर्ड को हम यूज करें जब जब द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस और द ओनर ऑफ द बिजनेस यू और विड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम हिज बिजनेस, आइदर इट इज कैश और गुड्स और वट एवर इट इज फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए जब ओनर कुछ यूटिलाइज करेगा बिजनेस से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉइंग्स। ओनली फॉर पर्सनल यूज, नॉट विड्रॉ, बैंक से विड्रॉ करने को नहीं बोलेंगे, कोई भी चीज बिजनेस से विड्रॉ करके ले जाएगा ओनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिर आ गया एसेट्स। एसेट्स के बारे में मैं पहले ही बताया था कि एसेट्स क्या है, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है बिजनेस का, जो प्रॉपर्टी है उनको एसेट बोला जाता है। एसेट में भी बहुत सारा कैटेगरी है, वो लेके हम चलेंगे। फिर हम मैं बोल देता हूँ एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड एसेट। मतलब तुम्हारा बिजनेस एंटरप्राइज का जितना एक बिजनेस है उसके अंदर जो भी तुम्हारा फर्नीचर है, मशीन है, बिजनेस के लिए व्हीकल है, बिजनेस के लिए मोबाइल है, बिजनेस के लिए कैश कुछ भी है, बिजनेस का बैंक बैलेंस है, वो सारा एसेट्स के अंदर पे आता है, ठीक है। एसेट्स मतलब बंगाली में क्या बोलते हैं उसको, संपत्ति। नेक्स्ट आ गया, एसेट्स में भी बहुत सारा पार्ट है, एक आता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा आता है करंट एसेट, ठीक है, बहुत सारा पार्ट है, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, उसके बाद तुम्हारा फिक्स्ड एसेट को भी हम लोग डिवाइड या फिर वैसे भी डाल सकते हो, डायरेक्टली डालो, टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, ऐसा बहुत सारा टर्म है। तो फिलहाल यही पढ़ने से तुम्हारा बेसिक ऑफ अकाउंट्स जो या फिर टेली करने के लिए ये सब भी जरूरी है, इतना आगे जाने का मतलब, इतना आगे जाने के लिए तो तुम्हें पूरा कॉमर्स का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो जो ज़रूरी है उसको लेके ही मान के चलेंगे, ठीक है, जो हम लोग को टेली करने के टाइम पे हमको ज़रूरत है। तो फर्स्ट हो गया फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट मतलब है, फिक्स्ड एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच आर held to continuous use of business for the purpose of producing goods and services meant for resales or not meant for resale. Example, fixed asset of land and building. मतलब business में हम रखते हैं, use करते हैं उसको, fixed asset क्या क्या है, जो long term में आपको value देता है, जैसे कि आप पकड़ मान के चलो plant and machinery, motor vehicles, furniture, livestock, उसका बाद आपका क्या बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इन सब, ये सब फिक्स्ड एसेट के अंदर पे जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका करंट एसेट। व्हाट इज करंट एसेट, करंट एसेट मतलब ऐसा कुछ एसेट्स जिनको हम इजीली कैश पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सबको करंट एसेट बोला जाता है, विद इन ए ईयर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक एग्जाम्पल है करंट एसेट का। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, दो वर्ड में बताता हूँ आपके सामने, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब आपने, आपके पास ओपनिंग में कितना है, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, आपको सब कुछ सेल हो गया, सब कुछ कर दिया, उसका बाद सब फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, इस साल का खत्म होने के बाद आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक अभी बाकी है, ठीक है ना, उसे वो करंट एसेट के अंदर पे जाएगा, क्योंकि इस क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा अभी मार्च एंडिंग हो गया तो मेरा टोटल सेल इतना प्रोडक्ट बाकी है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर में आ गया, और यही क्लोजिंग स्टॉक मेरा नेक्स्ट साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। मतलब इन स्टॉक को ही मैं
पहले विदाउट एनी प्रोडक्शन मैं इन सब कोई सेल कर सकता हूँ और इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसे बोले इसलिए उनको करंट एसेट बोला जाता है, क्योंकि मैंने बोला था करंट एसेट और दोज एसेट्स जिसको हम इजीली कैश पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। करंट एसेट और दोज एसेट विच आर मीन्ट फॉर सेल एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन ए ईयर। ठीक है, एज सच एज दिस एसेट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट लिव एसेट, और इसे शॉर्ट लिव एसेट भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्टर क्रेडिटर ये सब है, मतलब ऐसा एसेट्स जो हम इजीली उसको सेल कर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे करंट एसेट बोला जाता है। फिर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में आपको। टेंजिबल एसेट्स मतलब जो एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है टेंजिबल, और जिनको हम टच नहीं कर सकते उसे बोला जाता है इनटेंजिबल। फिर टेंजिबल में एसेट्स में क्या हो जाता है, जैसे ये बोर्ड हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका व्हीकल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये सब को क्या है टेंजिबल एसेट होता है। और इनटेंजिबल में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हम लोग टच नहीं कर सकते लेकिन इसका पैसे में वैल्यू होता है, उसे इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है। ठीक है, फिर आ गया लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी जो टर्म है लायबिलिटी उसका मीनिंग है आपको आपका मतलब आपको पेमेंट, मैं अगर शॉर्टकट में बोलूं तो मुझे कितना पैसा किसको देना, मतलब मेरे को किसको देना है। मैं किसी से क्रेडिट लेके आता हूँ, ठीक है, किसी से माल खरीदा फिर पैसा नहीं दिया तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो मेरा लायबिलिटी के अंदर आएगा, उसे हम सन्डरी क्रेडिटर बोलेंगे। मुझे पैसा किस किस को देना है वो मेरा लायबिलिटी के अंदर आएगा। जैसे इससे मेरा बैंक लोन हो सकता है, फिर मेरा कैपिटल भी लायबिलिटीज है, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल से माइनस हो जाता है, ये सब लायबिलिटी के अंदर आता है। फिर इसका मैं बोल देता हूँ, लायबिलिटी द अमाउंट विच द फर्म हैज रिक्वायर्ड टू पे इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी। मतलब जो भी पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपको किसी को देना पड़ेगा, मतलब आप लायबल है, बाउंड है उसको देने के लिए, वो आपको लायबिलिटी आता है, लायबिलिटी में होता है। ठीक है, जैसे बैंक लोन, सन्डरी क्रेडिटर, ये सब आता है उसका एग्जाम्पल। फिर आ गया एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस का मीनिंग हम लोग ऐसे अगर ऐसे लेमेन समझेंगे तो एक्सपेंसेस क्या है, खर्च करना। तो बिजनेस का कुछ भी आपका एक्सपेंसेस हो सकता है, जैसे मान लो आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कुछ खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, वो भी वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ एंड और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कुछ करने के लिए जो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं वो एक्सपेंसेस का अंडर पे आता है। ठीक है, फिर इनकम क्या है, इनकम मतलब इनकम करना, इनकम का मीनिंग तो भाई वैसे सबको ही पता होता है इनकम। ठीक है, इनकम जो आपका एज पर इनकम बोलने से हम लोग का दिमाग में क्या आता है कि पैसा इनकम करना, या फिर जैसे कि हम लोगों ने परचेज कर लिया 1,00,000 का, फिर उसको 1,10,000 में सेल कर दिया तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10,000, मतलब 10,000 हम इनकम कर सकते हैं। ठीक है, हम इनकम कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं उसका अच्छी तरह से समझा देता हूँ। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस मतलब जितना भी आपका एक्सेस हो रहा है, ठीक है,
आप लोग क्या समझते हैं ये 10,000 मेरा प्रॉफिट है? नहीं, ये 10,000 मेरा प्रॉफिट सॉरी इनकम है, लेकिन ये 10,000 मेरा इनकम नहीं है, ये है क्या है, प्रॉफिट है मेरा। इसको एक्सपेंसेस क्या होगा, कुछ भी अगर इसका रिलेटेड ये करने के बाद, मतलब ये गुड्स लाने में या फिर कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ, इसको माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा वो मेरा इनकम है। क्लियर? फिर आ गया डेप्टर, जो मैंने टर्म बोला था डेप्टर। डेप्टर क्या है, डेप्टर इज ऑल्सो नोन एज कस्टमर, और इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में इसको कंज्यूमर। डेप्टर का मीनिंग है द टर्म डेप्टर रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, गुड्स और मतलब गुड्स या फिर कुछ भी सर्विस उसको प्रोवाइड किया तुमने ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में अगर कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा, सन्ड्री डेप्टर या फिर डेप्टर। सन्ड्री मीन्स सन्ड्री डेप्टर, अगर मतलब सन्ड्री डेप्टर डेप्टर भी मिलेगा, सन्ड्री डेप्टर भी मिलेगा। सन्ड्री डेप्टर मीन्स ऑल, सन्ड्री मीन्स ऑल डेप्टर्स, ठीक है ना। तो डेप्टर मीन्स कस्टमर, वो डेप्टर का मीनिंग क्या है, कुछ भी कोई भी पर्सन को हम क्रेडिट में अगर उसको गुड्स सोल्ड करते हैं तो वो पैसा मतलब किसको सोल करें, उसका जो नाम लिखे रखेंगे उसका अंडर क्या आएगा, वो डेप्टर होगा। क्लियर? ओके। फिर आ गया क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्रेडिटर मतलब जैसे कि डेप्टर क्या हो गया, मैं किसी के पास क्रेडिट में सेल कर रहा हूँ, जिसके पास सेल कर रहा हूँ वो जो कस्टमर, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्टर बोलते हैं। क्रेडिटर को पूरा ऑपोजिट है, क्रेडिटर ऑपोजिट क्या है, मैं भी तो किसी से खरीद के ला रहा हूँ ना क्रेडिट पे, मैं भी किसी को पैसे देने के लिए बाउंड हूँ, आई एम लाइबल टू पे सम पर्सन, जिससे मैं क्रेडिट में माल लेके आ रहा हूँ, वो जो पार्टी है वो पार्टी का क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा उनको, क्रेडिटर। क्लियर? फिर आ गया गुड्स, गुड्स गुड नहीं गुड्स, गुड्स का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी चीज, सामान, सामान को ही बोला जाता है बंगाली में, उसको क्या बोलते हैं, सामग्री, जिनिश। ये बोलने से आप समझ जाओगे गुड्स क्या है, ये तो नॉलेज सबको है ही। फिर आ गया परचेज, परचेज क्या है, कुछ भी चीज सामान खरीद के लाना, जैसे तुम मोबाइल परचेस करते हो, कुछ भी हम लोग परचेस करते हैं तो वो बिजनेस के लिए हम परचेस कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ परचेस हम बहुत तीन तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या तरीका है, एक तो है कैश, मतलब सामान खरीदा और कैश दे के आ गए, एक हो गया। दूसरा क्या है, चेक, सामान खरीदा या फिर बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया या फिर चेक दे के आ गए, ठीक है, या फिर अभी तो UPI पेमेंट भी होता है, बहुत सारा कुछ है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, बहुत कुछ है। फिर और एक हो गया क्रेडिट, क्रेडिट मतलब अच्छी तरह से समझना, परचेज क्या हो रहा है, एक तो हम कैश में कर सकते हैं, मतलब कैश दिया और गुड्स लेके आ गए, नॉर्मली हम लोग जब जैसे करते हैं। चेक मतलब बड़ा अमाउंट है, अगर चेक, चेक से आप पेमेंट करना चाहते हो, चेक से या फिर UPI से, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारा अभी नया वे आ गया। चेक मतलब गुड्स खरीदा फिर उनको चेक देके आ गए, वो चेक अप लगाए, मेरा बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया, ठीक है। फिर है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उस सिचुएशन में भी आपके पास गुड्स आ जाता है और आपका अगर जान, क्रेडिट आपको तभी देगा कस्टमर जब आपके पास जान पहचान है उसका साथ, तो वो क्या करेगा, आपको क्रेडिट लिमिट दे देगा, इतना दिन बाद वो आप ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम टेली में मेंटेन कर सकते हैं। फिर आ गया परचेस, हो गया अभी हो गया परचेस रिटर्न, ये सारा टर्म भी जरूरी है, परचेस रिटर्न, ठीक है, जिसको और एक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो परचेस रिटर्न क्या है, मैं बोल देता हूँ जल्दी से, परचेस रिटर्न या फिर हम लोग कुछ भी परचेस करते हैं ना, परचेस करने के बाद अगर कोई भी सामान मेरे पास आया, फिर वो ख़राब निकला या फिर उसका कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग रिटर्न करते हैं, तो उसे परचेस रिटर्न बोलते हैं। तो इसको जानने का क्यों ज़रूरत है, जैसे कि तुमने, तुम परचेस कर लिया, टेली पे एंट्री कर दिया, फिर तुम्हारा
कुछ खराब निकला तुमने देखा तो भी इसको रिटर्न करना है तुम्हें, तो उसके लिए भी तो एंट्री करना पड़ेगा। तो इसलिए परचेस वो टर्म को हम परचेस रिटर्न बोलेंगे, ठीक है, या फिर उसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलेंगे।